केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में स्पेशली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज होता है? अभी तक हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस ही कर चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में डिफिनीशन हमने पढ़े, फिर इसके बाद कोवेलेंसी पार्ट वन पार्ट टू में करके पढ़े। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें कई पार्ट होंगे तो हम इसमें पार्ट करके आपको वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनका भौतिक स्टेट, अवस्था इनका क्या होता है, फिजिकल स्टेट कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए हम इसी पे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट में सबसे पहले जैसे हैं, मान लीजिए कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है, एक दूसरे द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे फ्लोरीन हुआ FF, क्योंकि देखिए कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और ये भी F और ये भी F एक दूसरे द्वारा जुड़े कैसे हैं भाई? एक दूसरे द्वारा तभी जुड़े होंगे, उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? बी वांडर वाल ऑफ फोर्स, जो ए भी फ्लोरीन है, ए भी फ्लोरीन। जो फ्लोरीन फ्लोरीन जब आपस में एक दूसरे द्वारा जो ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस फोर्स का क्या नाम होता है, बी वांडर वाल ऑफ फोर्स। आपसे यही पूछा जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? आपका आंसर होगा बी वांडर वाल ऑफ फोर्स। यदि आपसे पूछा जाए कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, बी वांडर वाल ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, बी वांडर वाल फोर्स। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में उनके कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपका आंसर होगा बी वांडर वाल ऑफ फोर्स। और सेकंड पॉइंट फिजिकल स्टेट में यही कि ज्यादा मात्रा में जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ज्यादा मात्रा में गैस होते हैं, सम लिक्विड होते हैं, और वेरी लेस अमाउंट में क्या होंगे, सॉलिड होंगे। वेरी लो मात्रा में क्या होता है, वेरी लो सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस तरह नेचर के एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा नेचर, गैस होते हैं, गैस के बाद कौन होते हैं, सम क्या होगा, लिक्विड होते हैं, सम लिक्विड होते हैं, और क्या होगा, वेरी फ्यू, बहुत कम मात्रा में, वेरी फ्यू सॉफ्ट सबलाइन, सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका किस तरह नेचर होता है, सबसे ज्यादा गैस नेचर होते हैं, सेकंड वेरी क्या होता है, सम क्या होता है, लिक्विड होते हैं, वेरी फ्यू सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड, बहुत कम मात्रा में सॉलिड होते हैं, सबसे ज्यादा गैस, देन इसके बाद लिक्विड, सबसे कम मात्रा में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कौन कौन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कौन कौन गैस होते हैं, कौन कौन लिक्विड नेचर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं फ्लोरीन, फ्लोरीन का यदि मॉलिक्यूलर वेट देखें कितना होगा, 38, और क्या होगा, फ्लोरीन बाद क्या हम देखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना होगा, 71। ये दोनों किस तरह नेचर दर्शाते हैं, गैस नेचर होते हैं। अभी हम आपको फार्मूला बताएंगे कैसे निकालेंगे आप, और फिर इसके बाद जैसे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 160, किस तरह नेचर को होते हैं, लिक्विड नेचर होते हैं, किस तरह नेचर होते हैं, लिक्विड नेचर होते हैं।
फिर इसके बाद क्या देखते हैं हम, आयोडीन वन कितना होता है 254। ये जो क्या होते हैं सॉलिड नेचर होते हैं, कैसे होते हैं सॉलिड नेचर होते हैं, क्या हमने बताया था सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड, सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड नेचर होते हैं। हम ये भी अब कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बी वंडर वाला फोर्स। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा गैस सम लिक्विड, कुछ मात्रा में लिक्विड होते हैं, वेरी फ्यू सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड, सबसे कम मात्रा में सॉलिड पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गैस देन लिक्विड, सॉलिड सबसे कम होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 38 है, क्लोरीन है मॉलिक्यूलर वेट 71 है, कैसा नेचर होता है गैस नेचर होता है। ब्रोमीन 160 होता है 160, कैसा नेचर होता है लिक्विड नेचर होता है। आयोडीन 254 कैसा होता है सॉफ्ट सबलाइन सॉलिड। हम आपको ये भी बता रहे हैं जैसे वांडर वाल फोर्स, यहां से क्वेश्चन नजर आता है वांडर वाल फोर्स, देखिए वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखा डब्ल्यू टी वेट है, देखिए यहां से मॉलिक्यूलर वेट यहाँ 38 है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 254 है, कहने का मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें उतना ज्यादा वांडर वाला फोर्स लगेगा। जैसे आयोडीन सबसे ज्यादा सॉलिड होता है, यहाँ पर क्यों ये वांडर वाला फोर्स सॉलिड नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वांडर वाला फोर्स लगता है, जितना ज्यादा वांडर वाल फोर्स लगेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, या हम कह सकते हैं उल्टा कहें जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उस कंपाउंड का उतना ज्यादा वांडर वाल फोर्स होगा। जैसे यहाँ पर देखें आयोडीन का 254 है मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है और वांडर वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर यदि साइज की बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा आयोडीन होगा। ये भी ये बात नजर आता है कि जितना ज्यादा मतलब साइज होगा उतना ज्यादा वांडर वाला फोर्स होगा। देखिए आयोडीन का जो I2 है, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, जिस कंपाउंड का जितना ज्यादा साइज होगा उस कंपाउंड में वांडर वाला फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा निकालने के लिए, देखिए मॉलिक्यूलर वेट जितना आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा था उसमें उतना ज्यादा वांडर वाला फोर्स होगा, जितना ज्यादा वांडर वाला फोर्स होगा एक दूसरे पास एकदम पूरा चिपके रहेंगे, तो कैसा नेचर दर्शाएगा सॉलिड नेचर होगा। हमें कह सकते हैं जितना ज्यादा साइज होगा जिस कंपाउंड का उस कंपाउंड में वांडर वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, सबसे ज्यादा वांडर वाला फोर्स सबसे ज्यादा किस में लगेगा आयोडीन में, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसमें साइज होगा उसका वांडर वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम वांडर वाला फोर्स, मैक्सिमम वांडर वाला फोर्स होगा। अब हम आपको इसी में बताएंगे कि कितने कार्बन तक गैस होते हैं, कितने कार्बन तक लिक्विड होते हैं, कितने कार्बन तक सॉलिड होते हैं। अब हम आपको एक पॉइंट बताएंगे, अब इसी में हम आपको अब डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पेट्रोल पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल किस कार्बन के अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन C1 से लेकर के C4 तक किस तरह नेचर होता है, गैस नेचर होता है। यदि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक कैसा नेचर होगा, गैस नेचर होगा।
फिर कार्बन फाइव से लेके कार्बन सिक्सटीन क्या होगा? लिक्विड नेचर होगा। फिर क्या होगा? कार्बन सेवनटी से लेकर, जो सेवनटीन मतलब सेवनटीन मतलब क्या, 17। कार्बन जो 17 होता है कैसा नेचर होता है? साफ्ट बैक्सी सॉलिड। क्या होंगे? साफ्ट बैक्सी सॉलिड। देखिए सी 17 जो सी 17 है साफ्ट बैक्सी सॉलिड नेचर होते हैं। कार्बन वन से लेके कार्बन फोर कैसा नेचर होगा? गैस नेचर होगा। सी फाइव से लेके सी 16 मतलब सी 16 कितना होते हैं? लिक्विड नेचर होते हैं। सी 17 जो सी 17 सॉफ्ट बैक्सी सॉलिड नेचर होंगे। अब हम आपको इसी में बताएंगे कि चलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा फिजिकल स्टेट समाप्त हो गया, अब सेकंड पॉइंट हम आपको स्टार्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होता है? सेकंड पॉइंट हम आपको बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यदि पूछा जाए कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी लो होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है वेरी लो, ये आपके लिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? वेरी लो होते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम आपको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें बिजली पैदा होगा कि नहीं होगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होता है? नॉन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनका यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें कैसा होता है? नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है? नॉन कंडक्टर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि कैसा होता है, नॉन कंडक्टर कि नॉन कंडक्टर? आपका आंसर होगा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। कैसा होता है? नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? कोई बिजली पैदा नहीं होगा। नॉन कंडक्टर मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, यहाँ पर नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कोई बिजली का प्रवाहित नहीं होगा। नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट ग्रेफाइट व्हिच जो कि कंडक्ट, ग्रेफाइट व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रेफाइट होते हैं उसमें बिजली पैदा होती है। अभी हम बता रहे हैं क्यों पैदा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा नेचर होगा? कोवेलेंट कंपाउंड का नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, आप ग्रेफाइट को ज्यादा मात्रा में हाईलाइट करिए, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपके एग्जाम में एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक्सेप्ट ग्रेफाइट व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट में बिजली पैदा होता है क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एक बार आपसे ये भी पूछा गया था ग्रेफाइट में बिजली पैदा क्यों हो रहा है, कंडक्ट क्यों हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। हम आपको इसको डिब्बा बंद कर दे रहा हूं,
एक बार हम आपको आगे निकाल करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी दर्शाते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट में क्या होगा, ग्रेफाइट व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं जैसे बेंजीन जिस तरह होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे इस तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है, हेक्सागन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसी में मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे पर ऐसे स्लाइड करते हैं, यही कारण होता है कि इसमें मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होता है किसमें, ग्रेफाइट में, आप इसको विशेष ध्यान देंगे। और थर्ड पॉइंट हो गया, हम आपको फोर्थ पॉइंट बताते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, जो कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायमंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायमंड किस तरह अपना बहुत बड़ा कंपाउंड किस तरह बनाता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पोलर और नॉन पोलर बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए स्टार्ट हम करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, किस तरह इनका बॉन्ड का नेचर होता है पूछा जाएगा आपसे। कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है डायरेक्शनल होगा कि नॉन डायरेक्शनल, आपका आंसर होगा डायरेक्शनल होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल नेचर होते हैं, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, डायरेक्शनल नेचर होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है डायरेक्शनल होगा कि नॉन डायरेक्शनल, आपका आंसर होगा डायरेक्शनल नेचर होंगे, कैसा होगा, डायरेक्शनल नेचर होते हैं। सो इसीलिए यही कारण होता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा उसमें डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री उनकी पाई जाती है, और डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री के नाते इसमें पॉसिबल हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, और एक्सिबिट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कोवेलेंट कंपाउंड में डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री होती है, आपका आंसर होगा हाँ डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कोवेलेंट कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और स्टीरियो आइसोमेरिज पॉसिबल होगा, आपका आंसर होगा हाँ कोवेलेंट कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और स्टीरियो आइसोमेरिज दोनों भी पॉसिबल होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब कैसे डायमंड का ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसमें हम आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बना करके बताएंगे, कैसे हाइब्रिडाइजेशन उसमें होता है हम आपको ये भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होंगे, सो कोवेलेंट कंपाउंड, यही कारण होता है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, सो कोवेलेंट कंपाउंड, यही कारण होता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं हैव क्या रखते हैं, डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री, डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। देखिए जहां क्वेश्चन आता है मैं उसको वर्ड लिख भी देता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा नेचर होंगे, डायरेक्शनल नेचर होते हैं, यही कारण होता है सो कोवेलेंट कंपाउंड हैव डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके पास जो होती है एक निश्चित
शेप और ज्योमेट्री होती है। सो यही कारण होता है, इसीलिए एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, यही कारण होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, यही कारण होता है। इसी में क्या एक्सप्लेन होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। हाँ, क्योंकि जब डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री होगी, यही कारण होगा डिफिनिट और शेप ज्योमेट्री के कारण एक्सप्लेन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सिबिट और क्या शो करते हैं, एंड एक्सिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज, स्टीरियो आइसोमेरिज और क्या दर्शाते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिन दर्शाते हैं। एक बार हम आपको आगे निकाल करवाते हैं क्योंकि पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट जो नेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में हमें नेचर ऑफ बांड के बारे में कैसे पता होगा, कोवेलेंट जो बांड होते हैं डायरेक्शनल नेचर होते हैं, एक निश्चित इनकी दिशा होती है। सो यही कारण होता है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री होती है। अब डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री के कारण क्या चीज एक्सप्लेन होता है, हाइब्रिडाइजेशन। एक संकरण को इसे हम क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड एक्सिबिट द स्टीरियो आइसोमेरिज और स्टीरियो आइसोमेरिज भी शो करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड में जो डायमंड का हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, डायमंड का कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, कैसे पॉसिबल होता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ये फिर वाटर सॉल्युबिलिटी, तीनों जो हेडिंग है जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट।